या अभी सिंगापुर, अब सिंगापुर, सिंगापुर मलेशिया, मलेशिया से दो मैम अभी जो मिली उनको। दोस्तों अभी सुबह वापस मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ मंदिर में, और जो मैं आपको रात को दिखाना चाह रहा था ये नीम के पेड़ से जो मुर्गा निकला है वो अभी बिल्कुल कंप्लीट दिख रहा है। तो अभी आप देख लो, बस ये ट्रस्ट वालों ने उसके ऊपर पेंट करके ठीक तरह से दिखे ऐसा बनाया है। लेकिन ये कलर तो इन लोगों ने किया है, लेकिन पहले से जो इनका आकार है वो मुर्गे का ही है, अंदर से ही निकला है, देख सकते हो। तो भाई अभी ज़्यादा कुछ यहाँ पे तो मैं शूट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी बहुत चलना बाकी है, 40 किलोमीटर है, पता नहीं कितना चल पाऊँगा, लेकिन हो सके तो तब तक तो मैं जितना हो सके मैं उतना खींच लूँ तो सही रहेगा अभी सुबह सुबह। तो भाई बेचरा जी से 4 किलोमीटर आगे निकल आया और लगा लेते हैं आज का जयकारा। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, हर जय जय श्री राम। और अभी मोटेरा सूर्य मंदिर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से महसाना, महसाना से आगे एक चौपड़ी है शायद वो बाईपास है, वहीं पे मेरे को रुकना है, तो शाम तक होते होते मैं पहुँच जाऊँ तो बढ़िया रहेगा। चलो अभी डायरेक्ट मैं आपको मोटेरा मंदिर के दर्शन ही करवाता हूँ। भाइयों मोटेरा सूर्य मंदिर में पहुँच गया हूँ, अभी दर्शन करके आसपास की जो जगह है वो आपको दिखाता हूँ। अभी सूर्य मंदिर सामने ही है, यहाँ से मैंने टिकट ले ली है और टिकट का प्राइस है 25 रुपये, और टिकट का प्राइस है 25 रुपये, और विदेशी नागरिक के लिए 300 रुपये, और टिकट कुछ ऐसी है। जो कि अभी अंदर का परिश्रम करके आप लोगों को मिलता हूँ।
neighboring country to Malaysia. You don't know where is Malaysia? No. People will know Singapore, don't know Malaysia. No. Yeah, we Singapore. Malaysia से दो मैम अभी जो मिली उनको बहुत भी अच्छा लगा कि मैं ये पैदल यात्रा कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत मैंने बातें की. अच्छा लगा इन लोगों से मिल के. थोड़ी बहुत फोटो मैंने इनके साथ खींची और अभी तो बस यहाँ का जो था वो मैंने आपको दिखा दिया. तो अभी यहाँ से आगे की यात्रा जो मेरी है वो अभी महसाना तक. अभी महसाना पता नहीं यहाँ से कितना हो रहा होगा. इतना मेरा हो जाएगा 40 किलोमीटर. 40 किलोमीटर चल के मेरी यात्रा समाप्त हो गई. और ये दोनों है वो मैम जो मेरे साथ फोटो खिंचवाए. अश्विनी जी कर्नाटक से जो कि मेरे को यहाँ पे मिले. क्या नाम है चैनल का? भव्य भारत इनका चैनल का नाम है. और मिलके अच्छा लगा. अभी पूरा गुजरात घूम रहे हैं. कर्नाटक में ये बैंगलोर से चलो भाई. तो अभी आगे की यात्रा जो है वो हम महसाना यहाँ से अभी 30 किलोमीटर या 29 किलोमीटर दिखा रहा है. तो जितना हो सके हम यहाँ से जल्दी निकल जाए तो सही रहे क्योंकि रात तक होते होते मेरे को वहाँ पहुँचना है. और भाई इस जगह पे 108 देवी देवताओं के मंदिर है छोटे बड़े. और ये आखिरी एक वीडियो ले लेता हूँ पूरे मंदिर की. मोटेरा सूर्य मंदिर से तो निकल आया पर अभी आगे कहीं होटल पे जाके कुछ खाऊंगा या फिर क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता तो किया लेकिन आज पता नहीं क्यों भूख लग रही है तो चाय पी के फिर आगे की यात्रा स्टार्ट करूंगा. और आज दौड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत बाकी है. महसाना यहाँ से अभी बहुत दूर है. और भाई महसाना अभी 10 किलोमीटर बाकी है और शाम हो गई क्योंकि यहाँ मोटेरा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने. दो घंटे में 10 किलोमीटर चल लेता. अगर मोटेरा नहीं जाता तो मैं अब तक पहुँच गया होता. लेकिन मोटेरा जाना भी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का. बस रात होते होते 8 से 8:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा. तो भाग मिल्खा. तो अभी जस्ट रूम पे पहुंच गया और अपना बैग भी आ गया. और ये बैग अक्षय का बैग जो है वो ऑफिस में भेज दूंगा. और ये मेरे बैग लेके आए दीपक भाई और निकुंज भाई. ये दोनों अक्षय के फ्रेंड है. साथ में ही जॉब करते हो ना सब? तो अभी अक्षय तो ड्यूटी में था लेकिन जब ये लोग वहाँ से निकले 6:30 बजे इन लोगों की ड्यूटी ख़त्म होती है
और फिर मेरा बैग वहीं से बेचरा जैसे यहाँ तक लेके होटल तक छोड़ दिया, और यहाँ बस रुकने के लिए ही था लेकिन खाने का कुछ था नहीं। तो ये लोग वापस मेहसाना गए और मेहसाना से ये खाना लेके आए। अभी तीनों बैठ के इधर ही खा लेंगे। और भाई रूम कुछ ऐसा है, पर ये रूम का अरेंजमेंट किया है बेचरा जी से धवल भाई ने, जो कि बेचरा जी में भी उसी ने होटल का सेटिंग कर दिया था, और यहाँ पे भी उसी ने ठीक किया है। बस देख लो, और ये कुछ मेरे रिलेटिव जो हैं वो भी मिलने आए थे, लेकिन मेहसाणा में ही है प्रॉपर, अंदर में जा नहीं सकता क्योंकि 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी सुबह में देख लेता हूँ, अगर जा पाया तो मैं उधर होके ही निकलूँगा। और उमंग भाई, नाम सु मैम उषा बेन, मामा अने मामा अने मामी दीदी, अच्छा अच्छा अच्छा, हम तुम्हारा वाइफ है, सरस सरस सरस। तो भाइयों अभी नहा के हो गया रेडी में, और अभी खाना खा के फिर एडिटिंग करने बैठ जाऊंगा। चलो, और खाने में खिचड़ी, आलू मटर की सब्जी, दही तिखारी, बाजरी का रोटली, और ये भाखरी, कड़ी, चास। ये कौन सी सब्जी है? फ्लावर। तो चलो अभी मस्त खा के फिर एडिटिंग करने बैठूंगा। मैं हूँ कहता भूल गयो, मैंने अति खबर कह रहा दूध ले आओ से, हमने छाछ नो कही दो, वो दूध खाते ना थी। तो वैसे भी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, और इस वीडियो को अभी मैं करता हूँ एंड। आप लोगों का साथ और सर पे महादेव का हाथ, हर हर महादेव, जय जय सियाराम।